नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जहूका के यूट्यूब चैनल पे। आज आपका जो सीईटी 12th लेवल का जो पेपर था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उम्मीद करते हैं हम कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। और उसी में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसी में हम लोग अब देख लेते हैं आपके जो आंसर्स हैं क्या क्या रहे हैं, और आप भी उन आंसर्स को अपने को लगा लीजिए ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संसति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, तो इसका आंसर है आपका 9:3:1। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो आपको पता है हमारे राजस्थान में कितना है, 61.11% आपका कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लगभग 2/3। ठीक है, आपका कितना परसेंटेज है राजस्थान में जो डेजर्ट है या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान के टोटल जो आपके भूभाग है वो कितने परसेंट पे, 61.11 जो परसेंट है इतने पे है, तो कितना हो गया आपका 2/3। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर है आपका ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिर भी अपन देख लेते हैं। बाकी आपके जो इंग्लिश मैथ और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो सर हैं वो आएंगे अभी, और आपके वो भी आंसर इसमें लगवा दिए जाएंगे। अभी अपन थोड़े क्या जीके वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो अमेंडमेंट मतलब आपका क्या होता है, संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अनुपूरक का जो टर्म है उसका टेक्निकल टर्म अनुपूरक है उसका क्या होगा, इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि किसके बीज के द्वारा, ऐसा कौन सा बीज है जिसके द्वारा दूध जैसी एक सामग्री बनाई जा सकती है, तो आपके कौन से जौ का ये हो सकते हैं? नहीं, आपका आंसर होगा डी। ठीक है, सोयाबीन के दूध से क्या बना, बीज से हम क्या बना सकते हैं, एक दूध जैसी सामग्री का क्या निर्माण कर सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, नंबर 5 आपका कह रहा है अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं का परिणाम है, तो अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और किसकी है, भारत और नेपाल के बीच में, ध्यान रखना भारत और नेपाल पे जो अरुण नदी है उसके बीच में, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, और नेपाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10 आप इस साइड देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का जो है वो पैटर्न थोड़ा अलग है, तो आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कौन सा है। देखो ये कह रहा है बी रुधिर वर्ग, जो बी ब्लड ग्रुप जो है वाला व्यक्ति किन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, तो ध्यान रखना ये पूछ रहा है कि जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किन किन को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बी वाला किसको कर सकता है, आपको पता ए बी आपका कौन, ए बी आपका सर्वग्राही कहते हैं जिसको, जो सबसे क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है, और बी वाला क्या आपका, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एवं ए बी रुधिर वर्ग वालों को। ठीक है, तो किसको दे सकता है बी ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है आपका जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो, बी हो, और या फिर ब्लड ग्रुप कौन सा हो, ए बी हो, तो उनको क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो हिंदी के, इंग्लिश के, या फिर आपके जो मैथ के आएंगे, मैथ रीजनिंग वगैरह के, तो उनके क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे अभी। तो अभी देखो आप, ये कह रहा है कि थार्नवेग के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को रिप्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है, तो आपको पता है थार्नवेग ने कितना, 4 आपके क्या दिए थे, सिंबल्स दिए थे, जिनके अकॉर्डिंग क्या किया था, राजस्थान की जलवायु को क्या किया था, जलवायु को उन्होंने क्या किया था, जलवायु का जो है वर्गीकरण किया था, तो उसी में आपको इसने पूछा जैसलमेर कौन से में आएगा, तो जैसलमेर आपका आता है ई ए डी में, तो ध्यान रखना जैसलमेर किस में आ रहा है आपका, ई ए डी में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 है,
क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। तो इसने पूछा निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन है इनमें से किसका जो है मुख्यमंत्री, मतलब जो मुख्यमंत्री की जो है पद नहीं है। तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, तो बिल्कुल आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, तो बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या कहता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। मुख्यमंत्री राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप देखो लास्ट में इधर अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 का आंसर हो जाएगा सी। ये कह रहा है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देखते हैं डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहां जाती हैं। तो डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल जाती है रिसाइकल बिन में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये कहता है बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको पता है बागड़ी बोली कहां बोली जाती है, आपकी बागड़ी बोली बोली जाती है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपके कौन से क्षेत्र में, ये आपका कौन सा हो गया साउथ ईस्ट, तो आपका दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ध्यान रख लेना, थोड़े से आगे पीछे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे ध्यान दे, आपके नंबर पे ध्यान ना दे। तो आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी, आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन ये कह रहा है राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। तो आप देखोगे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है इसने, और पूछा तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन कौन सा होता, क्या जालौर, नहीं बिल्कुल गलत आंसर है गंगानगर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता आपका, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर एवं बाड़मेर। लेकिन ऑप्शन क्या आपको पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर एवं गंगानगर। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। गंगानगर बीकानेर आपका फिर जैसलमेर देन बाड़मेर, इस टाइप से आपके किससे पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पे स्थित जिले हैं। तो ऑप्शन इन्होंने ये लाइन से पूछा है कि आपके जो दक्षिण से क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर कौन से जिले हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रख, फिर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा भारत में एक बायो पेटेंट, ध्यान रखना जो बायो पेटेंट दिया जाता है कितने वर्ष तक वैध रहता है। तो जो बायो पेटेंट है उसकी वो इसने टर्म वो सॉरी पीरियड पूछा है कि एक बार जो बायो पेटेंट अगर आपको दिया है तो वो कितने साल तक वैलिड है या लीगल है। तो आपको ध्यान रखना इंडिया में जो बायो पेटेंट है वो कितने सालों के लिए दिए जाते हैं, इंडिया में बायो पेटेंट आपके 20 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कुछ आके भक्ति संत रानीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो भक्ति संत रानीबाई का जन्म हुआ था हरनावा, हरनावा कहाँ आपके नागौर में, ठीक है, हरनावा नागौर में हुआ था इनका, जिनको राजस्थान की दूसरी क्या कहते हैं, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, हरनावा नागौर, ठीक है। अब देखो आगे आंसर, ये कह रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो ध्यान रखना ये आपके जो पूछे करंट में 18 मतलब जो अभी हमारे जो जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं वो हुए, तो कौन से थे वो आपके हैं, कौन से, राजीव कुमार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, किसको बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त, किसको बनाया गया भारत का मुख्य चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसके जो आयुक्त है वो कौन है, तो वो है आपके राजीव कुमार। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देख लो निम्नलिखित में से सेकावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी, तो इसका आंसर है चेड़ावा सेवा समिति, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, किसकी स्थापना हुई, चेड़ावा सेवा समिति की।
राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? राजस्थान फाउंडेशन है जो आपकी, उसकी स्थापना हुई है आपकी 2001 में, ठीक है। तो आंसर देखिए आप कौन सा होता है, डी, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना क्या हुई और क्या है राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन वो मतलब उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाई थी, जो राजस्थान के जो लोग हैं वो कहां या तो राज्य से बाहर है या फिर विदेश में, तो उनके साथ जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्या है क्रियाविधियों के माध्यम से उनका जुड़ाव और राज्य में उनकी राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या किसका किया गया था, राजस्थान फाउंडेशन का। क्या है राजस्थान फाउंडेशन का आपका उद्देश्य, इसकी स्थापना कब हुई आपकी 2001 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका क्या हो गया, डी। ये कह रहे हैं एक दर्पण में किसी वस्तु एक्स का प्रतिबिंब उल्टा वे वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति क्या है। तो आपका कैसा दर्पण होगा जिसमें कैसी बने उल्टी हो और वस्तु से कैसी हो बड़ी हो, तो ऐसा कौन सा आपके अवतल दर्पण में ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो मतलब आपका जो चित्र बनेगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसमें बनेगा, वो आपके अवतल दर्पण में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो गया आपका, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहे हैं झाली बाप बाबड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो किस में स्थित है आपके कुम्भलगढ़ के दुर्ग में स्थित है, कौन, झालीबाब की बावड़ी और मामादेव कुंड, ठीक है, किस में, कुम्भलगढ़ में। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका, बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है लक्ष्य सेन एवं किदाम्बिक श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये ध्यान रखना ये कौन से खेल से रिलेटेड है, ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत जो है वो किसके हैं, तो वो आपके बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कह रहे हैं राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो किसको देते हैं आपके परामर्श देते हैं राज्यपाल को, ठीक है। राज्यों के निर्वाचन आयोग जैसे भारत का निर्वाचन आयोग किसको देता है आपके राष्ट्रपति को परामर्श, ठीक है, उसी टाइप से जो राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से रिलेटेड जो है वो किसको देते हैं राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, अपनी सिफारिशें हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो गया, ए। ये कह रहा है दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला या मोलेला आर्ट हम जिसको कहते हैं कहां की आपकी नाथ द्वारा, तो उसमें उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपके कौन है मोहनलाल कुमार टेराकोटा के, क्या है टेराकोटा के लिए फेमस है और इन्हीं को क्या मिला था आपके पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मोहनलाल कुमार जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार, तो ध्यान रखना है अपीलीय अधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो हम देखते हैं प्रत्यक्षता संबंधित है, तो ये पूछ रहा है कौन सा अपीलीय अधिकार से है, तो देखो केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें, तो ध्यान रखना ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रारंभिक अधिकारता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। संघ और राज्यों के मध्य विवाद निर्माण, तो ये भी आपकी किसमें सुप्रीम कोर्ट की जो प्रारंभिक अधिकारता उसके अंतर्गत आता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो विवादों का न्याय निर्णय, तो वो भी आपके किसमें आता है प्रारंभिक अधिकारता में, किसके सुप्रीम कोर्ट की में, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है दीवानी अपीलीय तथा संवैधानिक मुकदमों की अपील, तो ये आपकी अपीलीय अधिकारिता है, किसकी सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हम कहते हैं ना मतलब ये मुद्दे डायरेक्ट कहां जा रहे हैं आपके, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये किसका अपील के माध्यम से कहां जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे नीचे लोअर कोर्ट देन हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, तो उसी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है।
सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, पायोनियर फर्स्ट जो है वो अंतरिक्ष यान है पहला, जिसको कहां सिर्फ जो आउट ऑफ द सोलर सिस्टम जिसको पहली बार भेजा गया था, और ये कब 1952 में, ध्यान रखना किसके द्वारा, नासा के द्वारा जो भेजा गया है, ठीक है। तो पायोनियर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो 39 का आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये कहता है सल्यूट फर्स्ट एक है, सल्यूट फर्स्ट आपका ध्यान रखना एक स्पेस स्टेशन क्या है, एक स्पेस स्टेशन को किसने यूएसएसआर ने कब यूएसएसआर ने आपके 1972 में बनाया था, कहा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित क्या है ये, एक अंतरिक्ष क्या है स्टेशन है, तो ऑप्शन आपका क्या है सी हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा भेजा गया था यूएसएसआर के 1972 में, तो ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो गया आपका सी, ये बोल रहा है निम्नलिखित कथन से कौन से कथन कौन सा कथन एस सत्य है, तो ध्यान रखना हमें गलत निकालना है। तो ये देखो राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, बिल्कुल सही आपका ये है जो सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी आपका क्या है देखो नीचे आते हैं अपन, राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये तो सही है बिल्कुल आपको। और राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी, है ना, स्वविवेक की चुनौती नहीं दी जा सकती, तो हम दे सकते हैं किसको, राज्यपाल की जो स्वविवेक शक्ति चैलेंज किया जा सकता है। किस वर्ष राजस्थान में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी, तो आपको ध्यान रखना जो आपका बजट 2015-16 है उसमें ये पंचायत क्या है पंचायत अवार्ड जो योजना है वो प्रारंभ की गई थी, और राज्य स्तर पर जो पंचायतें जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको क्या है सम्मानित करने के लिए उनको अवार्ड देने के लिए ये योजना प्रस्तावित योजना क्या है चालू की गई थी, ठीक है। ऐसी ऐसी ग्राम पंचायतें जो स्वयं के स्तर पर क्या संसाधनों का निर्माण करती हैं या स्वच्छता के लिए अच्छा कार्य करती है, तो उन पंचायतों को क्या किया गया क्या है पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी, तो ध्यान रखना 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कहां की गई थी आपकी वर्धा में की गई थी, और फिर बाद में इसको कहां शिफ्ट किया गया था अजमेर, ठीक है अजमेर। तो 1919 तो राजस्थान सेवा संघ की जो आपकी स्थापना हुई है वो कहां पे हुई है, वो आपकी हुई है वर्धा में, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहा है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया, तो ध्यान रखना 2002 में क्या किया गया था जो आपका राज्य विद्युत बोर्ड है राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड है उसको क्या कर दिया था 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये कहता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो ध्यान रखना आपके लास्ट बजट जो है उसमें जो मतलब अभी करंट में चल रहा है उसी बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ग्रामीण जो है आपके मनरेगा की तर्ज पे कहा राजस्थान गवर्नमेंट ने मनरेगा की तर्ज पे राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा शहरी क्षेत्रों में ये रोजगार गारंटी स्कीम स्टार्ट की जिसमें कितना 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, किसमें राज्य सरकार की योजना है ध्यान रखना इसके लिए 800 करोड़ का आपको पता ही बजट का क्या था प्रावधान था, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 100 दिन के रोजगार की क्या देता है गारंटी आपको देता है। ये कहता है कौन सी पर्वतारोही 5-8 हजार मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम क्या थी महिला थी, तो आपको ध्यान रखना आपके जो प्रियंका जो मोहिते ये महाराष्ट्र की रहने वाली, इन्होंने क्या किया था जो इन्होंने क्या 5 जो ऐसी चोटियां जिनकी ऊंचाई कितनी है
8000 जो मीटर है उससे अधिक है, उनपे क्या किया था, जैसे उसमें माउंट एवरेस्ट है आपका, कंचनजंगा है, मकालू है, तो ऐसी कौन सी आपकी जो पांच चोटियां हैं उनपे क्या किया था, शिखर, पांच चोटियों पर चढ़ने का जो है क्या है, शिखर पे पहली भारतीय क्या है, महिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कौन है, प्रियंका मोहिते। अब देखो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, तो आपको पता है मुकुंदरा एक पहाड़ी का आपकी झालावाड़ कोटा, तो कौन से प्रदेश में आएगी आपकी, हाडोती के पठार में। ठीक है, क्या अरावली में नहीं हो सकती, दक्षिणी अरावली में नहीं, उत्तरी अरावली नहीं, तो मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियां आपकी कहाँ है, वो आपकी हाडोती के पठार में है। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, तो कौन है आपके डीआरडीओ के जो 18 दिसंबर 2022 को किसको बनाया गया, तो आपके समीर वी कामत को किसको बनाया, डीआरडीओ को जो है चेयरपर्सन बनाया गया, या चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ कौन है, समीर वी कामत। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है डीएएसएच डाइट इज रिकमेंडेड या फिर डैश आहार है वो उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इन रोगों से ग्रसित है, तो ध्यान रखना आपके DASH का होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप क्या हाइपरटेंशन, तो इसी नाम में आप देखोगे, इसका फुल फॉर्म भी देखोगे हाइपरटेंशन, तो इसकी फुल फॉर्म देखो उसी में समझ में जाएगा कि ये कौन सी है डाइट, एक प्रॉपर डाइट मेंटेन की जाती है किसके लिए, किसके लिए, हाइपरटेंशन जो आपकी बीमारी है या उच्च रक्तचाप जो है उसको कम करने के लिए ये DASH जो है आहार, मतलब एक डाइट क्या है प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा था, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, 67 का आंसर क्या हो गया आपका बी। ये कह रहा है नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी है, हम दामोदर नदी को क्या कहते हैं, जैसे कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, ऐसे दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, आपके बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है आपकी, दामोदर नदी। और अचानक से जो बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो लास्ट ईयर ही चालू की गई योजना है कौन सी, मिशन बुनियाद, तो मिशन बुनियाद जो राजस्थान में वो किसको, तो ध्यान रखना एजुकेशन के लिए आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया गया है, एजुकेशन में क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्देश्य से कौन सी योजना चालू की गई आपकी, कौन सी चालू की बुनियाद, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डिजिटल लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिशन बुनियाद किसके लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए या डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और उसके लिए जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मजबूत करने के लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, तो कौन सी डिजिटल लर्निंग, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहा अधिकांश रोग जनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं बेहद संचारित होते हैं, तो किससे होते हैं, मल मौखिक मार्ग द्वारा, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जो अतिसार है उसका कारण, जो अतिसार के लिए जो कारण मतलब कारक बनते हैं जो रोगजनक जो बैक्टीरिया आपके या वो कहां से आपके प्रवेश करते हैं, तो मल और मौखिक मार्ग से संचारित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखो मोकड़ी क्या है, ये मोकड़ी आपको राजस्थान पता है, मोकड़ी किसकी, लाख की चूड़ियां है, जो कहां पे आपकी जयपुर और जोधपुर की क्या है आपकी फेमस है, जयपुर एंड जोधपुर की, तो मोकड़ी क्या आपकी लाख की चूड़ियां, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहा है असत्य कथन को, ये ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ग्रेफाइट को एक स्नेक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल ग्रेफाइट को एक स्नेक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है। फिर ये कहता है कि असत्य पूछा आपको, ध्यान रखना
ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं करता, तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट गलत है। ग्रेफाइट आपका क्या है, कंडक्टर होता है या फिर उनके सेमीकंडक्टर है। आपको ये ऑप्शन, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ग्रेफाइट में क्या विद्युत प्रभावित होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 74 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन, अजरका प्रिंट कहाँ का, तो अजरका प्रिंट आपका कहाँ का, बाड़मेर का फेमस है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है बी आंसर। 81 का आंसर क्या है, बाड़मेर। अजरक प्रिंट आपकी कहाँ की फेमस है, तो आपकी है बाड़मेर की। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 8, 10 या 8 अक्टूबर को 2022 में कुआलालंपुर में आयोजित विश्व विलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां खिताब जीता, तो किसने जीता, जो पंकज आडवाणी है उन्होंने अपना कौन सा, ये जो कुआलालंपुर में आपकी जो वर्ल्ड विलियर्ड जो चैंपियनशिप हुई थी, तो उसी में कौन सा अपना 25वां खिताब जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा आपका ए। अब देखो ये कह रहा है किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई थी, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है कौन सा, HDFC। HDFC जो है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है डी, बिल्कुल सही आंसर है। HDFC ने क्या किया, तो भारत में प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है उसको क्या किया गया था, वो शुरू किया गया था। ये कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है, तो ध्यान रखना लीगल एडवाइजर आपका जो है वो स्टेट का कौन होता है, जैसे हम कहते हैं कौन अटोर्नी जनरल होता है आपका कौन, कहाँ पे केंद्र जो है लीगल एडवाइजर या एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, वो कहते हैं अटोर्नी जनरल को। ऐसे राज्यों में जो है आप, तो वो कौन होता है एडवोकेट जनरल, या हम क्या कहते हैं उसको महाधिवक्ता, जो जो सरकार का वकील होता है, या कहें कि सरकार को कानूनी क्या देता है सलाह, कानूनी मामलों में कौन देता है सलाह, या कानून जो पैर भी कौन करता है कानूनी मामलों में, अगर हम देखे भी तो कोर्ट्स वगैरह में, तो वो कौन है आपका, या फिर डायरेक्ट हम ये कहें सरकार का वकील है कौन है, वो है आपका एडवोकेट जनरल, या ठीक है, तो वो कौन सा हो गया आपका महाधिवक्ता। ठीक है, आंसर हो गया आपका 87 का बी आंसर है। जैसे केंद्र में कौन सा होता है आपका महान्यायवादी होता है ना अटोर्नी जनरल, ऐसे राज्यों में कौन होता है महाधिवक्ता। ठीक है, अब 94 देखो आप, 94 कह रहा अजमेर राज्य के प्रथम मुख्य न्याय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना कौन थे हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे, जो आपके कब थे 1952 से 56 मुख्यमंत्री, आपको पता ही है क्योंकि अजमेर जो मेरवाड़ा, अजमेर और जो मेरवाड़ा प्रांत था वो आपके राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुआ था, वो लास्ट में आपके कब 1 नवंबर 1956 जो आपका लास्ट चरण या सेवंथ आप उसको कहते हो सेवन जो सप्तम चरण है उसमें क्या सम्मिलित किया गया था कब, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पे, तो तब अजमेर मेरवाड़ा में जो क्या है अलग से थे, तो वो कौन है आपके हरिभाऊ जो उपाध्याय उसके कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ये कह रहा है जूट फाइबर जो है उसका मुख्य घटक कौन सा है, तो जूट फाइबर आपका जो है जूट तंतु या जूट फाइबर का मुख्य घटक तो कौन होता है, सेल्यूलोज, सेलुलोज जो होता है वो किसका है, सेलुलोज आपके जूट फाइबर का क्या होता है मुख्य घटक होता है या कंपोनेंट होता है, जिसमें लगभग 64% होता है क्या आपका सेलुलोज किसमें, फाइबर में, वो सॉरी जूट फाइबर में, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। ये कहता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश निम्नलिखित कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो इन्होंने देखो बांसवाड़ा, बारा, सिरोही आपके तीनों है, तो उत्तरी चित्तौड़गढ़ है वो आपके किसके अति आर्द्र जलवायु में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ये जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कौन सा नॉर्थ या उत्तरी चित्तौड़गढ़ है वो आपका किसमें अति आर्द्र जलवायु में नहीं, वो किसमें पाया जाता है आपकी जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब देखो अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे, ध्यान रखें अजमेर के अजयराज चौहान जिन्होंने अजमेर नगर को क्या बसाया था, ठीक है, तो उनके जो पिता का पूछा पिता कौन थे, तो कौन थे आपके उनके पिता थे पृथ्वीराज फर्स्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है सी।
ये कहते हैं राजस्थान के राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति में निम्नलिखित में से राज्यपाल किससे परामर्श करता है? तो ध्यान रखना, एक समिति होती है जिसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, आपके जो राजस्थान के सीएम है, ठीक है, और जो आपके हाईकोर्ट के, जो हाईकोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस है, वो होते हैं, और आपके कौन होता है, एक अपोजिशन लीडर जो नेता प्रतिपक्ष होता है, उन तीन की समिति होती है, उनकी सिफारिशों पे क्या करता है राज्यपाल आपके किसमें लोक आयुक्त क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें देखो मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, जिसमें विपक्ष का नेता भी होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता नहीं, सीएम भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन, देखो आप ये ऑप्शन देखो, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक आयोग की जो नियुक्ति है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और किसकी सिफारिशों की जाती है, ये तीन सदस्यीय जो समिति है, किसके जो कौन कौन है उसमें, मुख्यमंत्री है आपके, आपके जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है, और आपके जो विधानसभा है उसमें जो नेता प्रतिपक्ष है वो समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री उस समिति के क्या है, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओबरी के नाम से कला विद्यालय स्थापित की गई? तो ध्यान रखना आपको, ये महाराजा जगत सिंह जो है आपके, महाराजा जगत सिंह का काल ही क्या है, मेवाड़ जो चित्रकला आपके स्वर्ण क्या, मेवाड़ चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग, और उन्हीं ने क्या चितेरों ओबरी नामक जो है कला, वो जो विश्वविद्यालय कला विद्यालय क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था, सिंपल क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार गोयल आपके जो है राजस्थान का जो पहला जो फाइनेंस कमीशन या राजस्थान का जो फर्स्ट वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ध्यान रखना आपका, इन सब में आप देखोगे तो ये देखो अरावली आपकी कौन सी प्राचीन बलित पर्वत, सॉरी प्राचीन जो है अपशिष्ट पर्वत है, विंध्याचल, अन्नामलाई जो आपके ये कौन से दक्षिण पठार वाले जो हिस्से हैं, ये कौन से प्राचीन पर्वत है, ठीक है। शिवालिक जो आपके हिमालय का जो पार्ट है आपका, शिवालिक किसके, हिमालय की रेंज है जिसको कहा, जो आपका कौन सा है आंतरिक, सॉरी बाह्य हिमालय इसको हम कहते हैं, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, हिमालय की जो श्रेणी है मतलब जो श्रृंखला है उन्हीं का है शिवालिक। तो हिमालय जो पर्वतमाला, ये आपको कौन सा, इन चारों में अगर आप देखोगे तो शिवालिक जो है आपके नवीन जो बलित पर्वत है उसका क्या है उदाहरण, तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन से होगी, शिवालिक। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप थोड़ा देखिए आप इस क्वेश्चन को, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा पीडीएफ ही नहीं आई। तो ये कह रहे हैं इंद्रावती नदी है, तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना आपको जो ये किसकी सहायक नदी है आपकी, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इंद्रावती जो नदी किसकी, गोदावरी की, आपको ध्यान है ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये महाराष्ट्र और किसकी आपकी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो राज्य उनकी सीमा का क्या करती है, निर्माण करती है, और किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है तेरह ताली नृत्य, तो तेरह ताली नृत्य किसके, रामदेव जी के जो अनुयायी हैं लोक देवता की स्तुति में गाए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बस ये थोड़ा सा पेज है तो ये इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया, ध्यान रखना कोई भूखा न सोए के उद्देश्य से क्या योजना स्टार्ट की थी, इंदिरा गांधी रसोई योजना। तो उसमें कितने रुपए आपके, 8 रुपए प्लेट के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 रुपए, तो ऑप्शन है आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। ये कह रहा भारत में शंकुधारी वन वृक्ष, तो ध्यान रखना शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं आपके, जो
आपके उच्च अक्षांश या फिर उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, ऊंचाई वाले एरियाज में पाए जाते हैं। तो किस टाइप के वन है? ये पर्वतीय वन है, ठीक है। शंकुधारी वन जो है वो कौन से वन है आपके? पर्वतीय वन। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ये कह रहा है एलन ब्लास्की को नोबल का शांति पुरस्कार मिला है 2022 का, बिल्कुल सही है। जो पीस का आपका नोबल प्राइज है वो मिला है, तो ये सम्मानित किया गया है। वो किस देश के हैं? तो वो कौन से देश के? आपके बेलारूस के हैं, ठीक है, बेलारूस के हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ये कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? तो ध्यान रखें, नरेगा से मनरेगा कब हुई थी? नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपके कौन सा है? 2008 में। तो ऑप्शन कहाँ है आपका? ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2008 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट से क्या हो गया था? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार एक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो सीधे तो आए गए। ये कह रहा है संघाई सहयोग संगठन या SCO, SCO का जो शिखर सम्मेलन 2022 वाला जो हुआ सितंबर में, वो कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना आपको, कहाँ हुआ था? वो उज्बेकिस्तान के जो समरकंद जो जगह है वहां पे हुआ था। कहाँ पे हुआ आपका? उज्बेकिस्तान में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। SCO जो है आपका संघाई सहयोग संगठन, उसका कहाँ हुआ था? अभी जो लास्ट वाला जो समिट है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका समरकंद, और समरकंद कहाँ है आपके? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण है, तो बाड़मेर में जो कानन मेले उसका मुख्य आकर्षण है आपका गैर नृत्य। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि उच्चतर रही? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन नहीं है, तो आप ध्यान रखना किस, ये बोल रहा है किस दशक में सर्वाधिक रही। तो आपके जो 1971 से 1981 वाला जो है उसमें क्या है, राजस्थान की जो है वो जनसंख्या ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा रही। यहाँ लगभग आपके 32.24 या कुछ समथिंग इतनी आपकी क्या थी, ग्रोथ रेट थी, और वो अभी तक क्या हाईएस्ट है। तो ध्यान रखना 1971 से 1981 वाला जो है आपका दशक है, उसमें जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि है वो क्या रही है, सबसे अधिक रही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स, तो गंगानगर शुगर मिल्स आप सबको पता किसकी है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब कैसी है? सार्वजनिक कंपनी है। तो किसके हैं? गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग। आपको जैसे पता है ना, आप राजस्थान में आप देखोगे एक सहकारी है, निजी है, और कौन सी आपकी सार्वजनिक है? तो गंगानगर जो शुगर मिल है वो कौन सी आपकी सार्वजनिक है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सरकारी उपक्रम। तो ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी तो कहाँ मिली आपको? कालीबंगा के अंदर क्या हुआ आपके? मिली है क्या किलेबंदी? सिर्फ प्राचीर युक्त जो किलेबंदी बस्तियां मिली है वो कहाँ आपकी? कालीबंगा में। देखो निम्नलिखित से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो आपको देखो बोरनाडा आपका जोधपुर में है, मंडोर है, पाल शिल्प ग्राम ये भी है, नापासर आपके किस में? बीकानेर में, ठीक है। तो नापासर कहाँ आपका? बीकानेर में। तो ऑप्शन कौन सा उसने पूछा? नहीं है जोधपुर में। कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो जोधपुर में नहीं है? तो आपका कौन सा? नापासर। ये नापासर कहाँ है आपका? ये है आपका बीकानेर में। तो ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये कह रहा है नड क्या है? तो ध्यान रखना नड आपका एक क्या है? वाद्य यंत्र है, और वो कैसा होता है? एक बांसुरी, जो लंबी बांसुरी ना उसकी टाइप से उसकी क्या होती है? शेप होती है। तो आंसर आपका कौन सा देखोगे? लकड़ी की चार पट्टियां, नहीं बिल्कुल गलत। जुड़वा बांसुरी, नहीं ये भी गलत। एक तार वाला वाद, नहीं ये भी एक लंबी बांसुरी, हाँ तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? नड। नड एक आपका क्या है? आपका एक वाद्य यंत्र है। ये कह रहा है ग्रेगर मेंडल ने किस कार्य पर अनुवंशिकी के नियम प्रतिवाद किया? तो आपको पता है कौन सा? मटर के पौधे पे, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है मटर के पौधे पे। तो ऑप्शन हो गया आपका सी आंसर बिल्कुल सही है 128 का।
ये कह रहे हैं आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आपको पता होगा आहड़ का जो नेत्र उत्खनन है वो किसके में किया गया था। आहड़ आपको पता है कहाँ पे, उदयपुर में, किस पे, आहड़ नदी पे, जिसको आप क्या धूलकोट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो किसके, अग्रवाल और एच डी सांकलिया, इनके नेतृत्व में किया गया था। तो आपका ऑप्शन में क्या, एच डी सांकलिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो ध्यान रखना आपके जो कौन से वाले क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र हैं आपके, ये हाड़ौती का पठार, और आपके कौन से दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किसके हिस्से हैं, अति आर्द्र जलवायु उसमें पाई जाती है। तो आप देखोगे आप इसमें बीकानेर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, जयपुर, जयपुर भी नहीं है, अजमेर, अजमेर भी नहीं। तो ऑप्शन क्या आपका, कोटा आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, ये चार जिले हैं, चार ऑप्शन, उनमें से पूछा है कि इनमें से अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है आपके, कोटा में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है अमरशाही क्या है, तो ध्यान रखना अमरशाही जो है वो क्या है, एक पगड़ी है, ठीक है, पगड़ी है, है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है, नहीं है पूछिए, ध्यान रखना। अभी 2021 में आपको पता हो राजीव गांधी जी की जो जयंती पे क्या किया गया था, एक राजीव गांधी एक्सीलेंस, वो एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम की थी, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है आपके 200 बच्चों को क्या विदेश में पढ़ाई के लिए क्या स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है। तो उसी की योजना है, तो उसके लिए पूछा कि कौन सा सही नहीं है। इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना है, तो ये बिल्कुल सही है। कितना आपको मैंने बताया, 200 विद्यार्थियों के लिए। इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपका जो पॉइंट है वो है कि 30% जो है वो जो सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं, वो आपकी लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। तो 33 है आपका, ये बिल्कुल गलत है। हाँ आरक्षित हैं, बट कितनी है, वो आपकी 30% है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो उनके उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये भी सही है। ये भी कहने को ये है कि भाई 8 लाख तक की जिनकी आय है, लेकिन 25 लाख तक जिनकी आय है वो भी इसमें क्या आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, वो जिनकी क्या है इनकम है, वो जो एनुअल इनकम है या जो वार्षिक आय वो कितनी है, अगर 8 लाख से कम है तो उनको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 वो जो आपका अगस्त है को की गई, तो बिल्कुल की गई थी, ठीक है। 20 अगस्त 2021 को जो राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है उस पर इस जो स्कीम की योजना घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका सही है। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना आपको पता है कौन से हैं, 40वें जो न है वो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस पंकज मित्तल, जो करेंट में हमारे क्या है राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उनके जो चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल, तो वो कौन से हैं आपके 40वें नंबर के। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही है। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो आप सबने सुना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विजय हरारे ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। ये कह रहा है राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, तो ध्यान रखना कैसे होते हैं, आपको पता ही है पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जनता उनको क्या करती है वोट डालती है। तो ध्यान रखना ना आपके जो पंचायत समिति के सदस्य वो कैसे प्रत्यक्ष रूप से क्या है निर्वाचित होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया, तो ध्यान रखना कौन थे, गुलाम अब्बास मुंतिया मुंतसिर जो है वो आपके कौन थे बास्केटबॉल प्लेयर थे, अभी जिनका रिसेंटली जो आपके 15 नंबर लास्ट ईयर वो क्या होता डेथ हो गई थी, ठीक है। तो कौन सा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
अब देखो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जो कैमल रिसर्च सेंटर है या ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे, वो आपके बीकानेर में। फिर क्वेश्चन नंबर 146 आपका कह रहा है कि गोडावन कहाँ पाए जाते हैं, गोडावन आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ, जो नेशनल फॉसिल पार्क जो है वो डेजर्ट पार्क है वो कहाँ आपके जैसलमेर है, तो उसमें पाए जाते हैं कौन, गोडावन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, किसका 146 का। ये कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ का प्रारूप दिया गया, तो राज्यपाल के जो शपथ है वो कौन से में दिया गया, आर्टिकल आपके 159 में दिया गया। ध्यान रखना, जो राज्यपाल की शपथ के जो प्रारूप दिया गया आपका वो कहाँ दिया गया, आर्टिकल 169 में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वनों का अंतर्गत होना चाहिए, तो ध्यान रखना आप हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कहती है कि जो वो कहती है कि आपके जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कितना 33% क्षेत्रों पे क्या होना चाहिए आपका जो वन जो है प्रतिशत होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर लेंस की क्षमता होती है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं किसके कंप्लीट, आपके जो ठीक जीके के क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने कर लिए, तो आप भी इसका आइडिया लग जाएगा, आप लोग भी थोड़ा सा इसको एक बार मैच कर लीजिए। बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस बच गए किसके, आपके हिंदी के, मैथ, आपके जो कंप्यूटर हैं या फिर आपके कौन से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आंसर्स अभी लगवा देंगे। ठीक है, तो अभी आप चेक कर लीजिए। थैंक यू।